हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आ गया हूँ आपके लिए नया व्लॉग लेके। और मैं हूँ अभी टाटा शोरूम के बाहर जहाँ पे हंगामा हुआ था लास्ट वीक। तो अभी यहाँ पे कोई मीटिंग है नहीं एक्चुअली। आज मीटिंग का इनका टाइम है 25 जून है आज, और अप्रोक्स 2:30 बज चुके हैं दोपहर के। 3 बजे का टाइम है मीटिंग का, लेकिन मीटिंग यहाँ पे नहीं है। मुझे पता लगा मीटिंग है इनके सर्विस सेंटर पे। तो यहाँ आया था मैं, पाठक जी से बात कर रहा था अभी। पाठक जी ऑन कैमरा आना नहीं चाह रहे हैं अभी, वो कह रहे हैं कि ताकि मीटिंग पहले क्लियर हो जाए, मीटिंग का जो डिसीजन है वो निकल जाए, उसके बाद वो ऑन कैमरा आके कुछ बताएंगे इन गाड़ी के इंजन के बारे में भी शायद हमें। तो वो ऑफ कैमरा उन्होंने बता दिया है, मैं बताऊंगा तो हो सकता है आप कुछ अलग ही समझो, इसलिए हम पूछेंगे सीधा टाटा वालों से वो चीज़ भी। तो आज आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं, और अभी चलेंगे जहाँ पे वो मीटिंग होने वाली है और देखते हैं उस मीटिंग में क्या डिसीजन निकलता है। क्या वो 24 लाख रुपये वापस करेंगे, या वो नई सफारी वापस करेंगे, या फिर थर्ड ऑप्शन कि वो उसी गाड़ी को रिपेयर करके देंगे जिसका ज़्यादा चांस है। चांस इसी चीज़ का है कि वो गाड़ी रिपेयर करके देंगे। एक्चुअली रिपेयरिंग में तो ना वो गाड़ी ठुकी थी ना कुछ, बस वो गाड़ी वहाँ पे जाके स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो ये समस्या बहुत सारे और भी गाड़ियों में आई है, उनके बारे में बात करेंगे बाद में। पहले चल लेते हैं सर्विस सेंटर। तो यार पहुँच गए हैं टाटा के सर्विस सेंटर में, जहाँ पे वो गाड़ी भी शायद रिपेयर हो गई होगी, और यहीं पर मीटिंग है। और अभी विनय भाई वगैरह वो आ रहे हैं, अभी उनका कॉल आया है। तो देखते हैं आज वो मीटिंग सक्सेसफुल होती है क्या होती है, सीधा आपको लाइव दिखाएंगे। और आज ही क्लियर हो जाए ये मुद्दा तो बढ़िया है ना। जो कि सर्विस हो गई है, यहाँ से सर्विस हो गई है, आपको पता है आपके बात है। उसके बाद अब आप मुझे बताओ कि मैं कैसे रिलाय कर रहा हूँ, बस रिलायबिलिटी मेरे लिए तो जीरो हो गई है। मतलब कैन यू ट्रस्टेड भाई, मतलब जनरली पूछ रहा हूँ मैं। मतलब ठीक है, आपने नेक्सन ले रखी, अच्छी बात है। मेरे घर हैरियर भी खड़ी है, हमने ये सफारी भी ली है। तो मैंने बल्कि एक और गाड़ी बुक करा रखी है, हमने हैरियर बुक करा रखी है एक अपने दोस्त ने, और एक क्या नाम है नेक्सन ही शायद अपने पंच में से एक बुक करा रखी मामा ने, मतलब मेरे रेफरेंस के थ्रू ही हुआ था, लेकिन मैंने दोनों होल्ड करा दी। लो जी भाई, विनय भाई आ गए हैं। हाँ विनय भाई, मंडे को सॉल्यूशन का क्या रहा? कुछ नहीं हुआ, वीपी से मिले थे भाई मंडे को। वीपी ने बोला कि भाई क्या नाम है, गाड़ी ठीक हुई ले लो। मैं कहा गाड़ी लेनी नहीं मेरे को, पैसा है गाड़ी नई गाड़ी मतलब। तो आज तो फिर सैटरडे हो गया, मंडे को उन्होंने कहा जी हमारे तो पैसा गाड़ी तो MD साहब देंगे और टाटा डिसाइड करेगी। मंडे को इनका कोई जवाब नहीं आया, तो इन्होंने मीटिंग रखी 24 तारीख की। 24 को कोई फ़ोन नहीं आया, कोई किसी का भी फ़ोन नहीं आया, कोई फॉलोअप नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर मीटिंग रखी है कोई स्केड्यूल डेट टाइम रखा है तो चलिए। फाइनली मीटिंग हो गई अभी 25 तारीख है आज, तो अभी मीटिंग में जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है वीडियो बनाने दें, हो सकता है ना बनाने दें, बाकी देखते हैं। थैंक यू भाई। तो भाई मीटिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है, लगभग 1.5 से 2 घंटा मीटिंग चली, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि कंपनी वाले भी अपनी बात पे अड़े रहे, और विनय भाई भी अपनी बात पे अड़ा रहा, और ना तो ये गाड़ी दे रहे हैं नई ना पैसे दे रहे हैं। विनय भाई ने भी वहीं पर अड़ा रहा कि भाई मैं लूँगा तो नई गाड़ी लूँगा या पैसे लूँगा, और इसके जो बीच में डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताई देता हूँ। हाँ जी, अभी आपने देखी 25 जून की ये वीडियो, और आज है 12 जुलाई। तो अभी हमारा मेन क्वेश्चन तो यही है कि भाई हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ, नई गाड़ी मिली, पैसे मिले, या फिर थर्ड ऑप्शन वही गाड़ी रिपेयर होके मिली। तो पहले तो आप लोगों को बताता हूँ मैं, थर्ड ऑप्शन है भाई इसका जवाब, उनको गाड़ी रिपेयर करके मिली है, ठीक है। उसके साथ में क्या कंडीशन है क्या नहीं है वो भी आपको बताऊंगा, पहले आपको इसके पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। तो भाई गए हुए थे लेह लद्दाख लेके सफारी को, वहाँ प्रॉब्लम आई थी ये। तो ये प्रॉब्लम आई क्यों भैया, उसका एक रीज़न बताया जो कंपनी ने मीटिंग में। तो वहाँ अंदर तो खैर कैमरा अलाउड नहीं था भाई, उनकी प्राइवेसी थी, तो ठीक है उनकी जगह थी। तो उन्होंने यहाँ पे रोक दिया शुरू में, क्योंकि पहले ही वीडियो बना के काफ़ी कबाड़ा हो चुका था टाटा का। तो उसके बाद अभी प्रॉब्लम है BS6 इंजन की, क्योंकि अब जो लेटेस्ट इंजन आ रहे हैं वो BS6 इंजन आ रहे हैं, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। अच्छा ये BS6 इंजन लाए क्यों गए थे? BS6 इंजन लाए इसलिए गए थे कि भाई कम से कम पोल्यूशन हो, ये पोल्यूशन पे थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। तो BS6 इंजन जो इनका पेट्रोल वाला है वो काफ़ी अच्छा सक्सेस हुआ, लेकिन डीजल का सक्सेस ही नहीं हुआ BS6 इंजन। चाहे वो टाटा की बात कर लो, चाहे किया की कर लो, चाहे किसी की भी कर लो, वो किसी का सक्सेस नहीं हो रहा BS6 इंजन। तो अभी BS6 इंजन में क्या प्रॉब्लम आ रही है डीजल वाले में? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम उस गाड़ी को BS6 इंजन वाली गाड़ी को हाई एल्टीट्यूड पे लेके जाते हैं, तो वहाँ जाके उसमें प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली आप चलाओगे
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो उसमें प्रॉब्लम आती है। ऐसा ही भाई के साथ हुआ, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उसके बाद आपने देखा ही वीडियो में क्या हुआ था। तो अभी टाटा वालों ने क्या किया है उसमें टाटा वालों ने ना उसको कोई खोला ना कुछ बांधा, उन्होंने जो रियलाइज किया उसके जितने भी उन्होंने चेकिंग करी तो उसमें बस वही दिक्कत थी BS6 इंजन वाली। तो उसके लिए उन्होंने ये किया है, उसका एक सॉफ्टवेयर लेटेस्ट अपडेट किया, खाली इसी सफारी में नहीं उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया कि ताकि गाड़ी में भाई हाई एल्टीट्यूड पे जाके भी दिक्कत ना आए। तो वो बस सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला भाई हमने आपकी गाड़ी रिपेयर ही नहीं करी है, हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, तो आपको यही गाड़ी लेनी होगी। तो यही मीटिंग हो ही जा रही थी बार 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 बार, लेकिन भाई ने तो भाई प्रॉब्लम फेस करी थी, उसका तो काफ़ी टाइम भी ख़राब हुआ, पैसे भी ख़राब हुए। तो इसलिए भाई को तो दरअसल ये रहा ना कि कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि भाई मैं इस गाड़ी को फिर दोबारा वहाँ लेके जाऊँगा कहीं हाई एल्टीट्यूड पे बच्चों के साथ, तो फिर दिक्कत आ सकती है। चलो भाई उसके लिए उन्होंने अभी क्या किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई को वही गाड़ी दी गई है सैटरडे को। एक्चुअली मैं उस दिन जा नहीं पाया क्योंकि मैंने प्लान कर रखा था फैमिली के साथ फन एंड फूड का, वो व्लॉग भी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो उसको भी चेकआउट कर लेना भाई। और गाड़ी उनको मिल गई है, टाटा वालों ने माना कि भाई हाँ थोड़ी बहुत हमारी सर्विस में कमी रही, हम आपको वहाँ पे सर्विस नहीं दे पाए, वो उन्होंने माना मीटिंग्स में। और अभी वो जो बेस्ट कर सकते हैं वो टाटा वालों ने कर दिया भाई, उनको गाड़ी दे दी है और उनको पूरी तरह से संतुष्ट किया है कि आगे से ये दिक्कत नहीं आएगी आपकी गाड़ी में। और उनको थोड़े बहुत ऑफर्स भी टाटा वालों ने दे दिए हैं कि भाई चलो आपको ये दिक्कत फेस हुई, क्योंकि भाई ने क्या था कि भाई अगर आपके साथ किसी के साथ हो तो मौके पे ही वीडियो बनाओ कि हमारी गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो उसका समाधान भी होगा और कंपनी सुनेगी भी। अच्छा ठीक है, अभी नई गाड़ी क्यों नहीं मिली भाई? नई गाड़ी इसलिए नहीं मिली क्योंकि जो टर्म कंडीशन होती है उसके हिसाब से नई गाड़ी नहीं मिल सकती। तो नई गाड़ी कब मिलती है? नई गाड़ी तब मिलती है अगर भाई अब फिर दोबारा जाएगा, फिर दिक्कत आएगी, ये सेम प्रॉब्लम बार बार रिपीट होगी ना, तो हम केस कर सकते हैं और हम केस जीत भी सकते हैं। अभी एक बार प्रॉब्लम आई उसको लेके हम कोर्ट में चले जाएंगे तो कोर्ट वाले कहेंगे भाई कोई बात नहीं हो गया, मशीन है। तो यही बात है बस। और भी भाई का कोई सवाल हो जो पूछना चाहता हो इसके बारे में, जो मैं इस वीडियो में हो सकता है नहीं कवर कर पाया हूँ, तो भाई वो मेरे इंस्टा अकाउंट पे आ जाए और DM करें, मैं उनको गाइड करूँगा। जिन भाइयों को, कई भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही, तो मैं उनको गाइड कर दूंगा, लेकिन मैं उनको गाइड YouTube पे नहीं कर पाऊंगा, मैं उनको गाइड Instagram पे कर दूंगा। तो आप Instagram पे आएं, हम तुम यात्री के नाम से ही मेरा इंस्टा पेज है, और मुझे DM करें अपनी प्रॉब्लम, मैं उसका सोल्यूशन जितना भी आपको बता पाऊंगा इसके बारे में वो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। तो भाई जो जो भाई इन वीडियो के माध्यम से हमारे साथ नए जुड़े उन सबका धन्यवाद। और यही था बस भाई इस व्लॉग में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।